हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं प्योर यूएसपी रॉम के बारे में, जो कि एंड्रॉइड 12 के साथ अपने रेबनोट 7 S11 के लिए अवेलेबल हो गया है। सो ये जो रॉम आप देख पाओगे दोस्तों, ये प्योर एंड्रॉइड 12 का जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है उसका रॉम है। एकदम प्योर एंड्रॉइड 12 का एक्सपीरियंस आपको इस रॉम के अंदर देखने को मिल जाएगा। क्या क्या फीचर्स है उसको बात करने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं उसको बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। जैसे कि आप देखिए पा रहे हो, जो एंड्रॉइड वर्जन हमें देने को मिलता है, एंड्रॉइड 12 देने को मिल जाती है। एंड एंड्रॉइड 12 का पहला कस्टम रॉम है जो कि आपने रेडमी नोट 7 के लिए अवेलेबल हुआ है। एंड देख ही सकते हो यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का जो स्टडेक है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है अक्टूबर 5 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल गया है। जो कर्नल को यूज़ किया गया है, स्टॉर्मब्रेकर X4.8 कर्नल को यहाँ पर यूज़ किया गया है अपने रेडमी नोट 7 के अंदर एंड्रॉइड 12 के कस्टम रॉम के साथ। तो ये जो कस्टम रॉम है दोस्तों, एंड्रॉइड 12 का फास्ट बिल्ड है, इसलिए आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी, बहुत सारी बग्स देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, एकदम जो एंड्रॉइड 12 का स्टॉक एक्सपीरियंस है, जो यूएसपी एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले ये जो बिल्ड है दोस्तों, इसे POSP 5.0 का बिल्ड हमें देने को मिलता है। मतलब ये जो बिल्ड है एंड्रॉइड का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के तहत ही आता है, बट इसे तैयार किया गया है जो POSP 5.0 वर्जन है उसके अंदर। सो आपको यहाँ पर AOSP प्लस POSP के अंदर जो जो फीचर्स है वो आपको देने को मिल जाती है। एंड इस रॉम के अंदर कुछ कुछ इशू है, कुछ कुछ बग्स भी आपको देखने को मिला, एक्चुअली कुछ कुछ नहीं, बहुत सारी इशू है एंड बग देने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो बिल्ड है फिलहाल टेस्ट बिल्ड आप कह सकते हो। ये फिलहाल अभी और थोड़ा सा, मतलब एक दो अपडेट आ जाए उसके बाद और थोड़ा सा डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बिल्ड है, इस बिल्ड को मैं डेली ड्राइवर के लिए यूज़ करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। इस बिल्ड के अंदर अभी भी बहुत सारी इश्यूज़ है। सबसे पहला इशू आप देख पाओगे, इस बिल्ड के अंदर आपको कोई भी गूगल का एप्लीकेशन देने को नहीं मिलता है। नाउ यहाँ पर मैं गूगल के एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, किस तरह से गूगल के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने वाले हो अपने एंड्रॉइड 12 के अंदर उसके बारे में बात करूंगा। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं अपना सर्च बार के अंदर। तो आप देख सकते हो एंड्रॉइड 12 के अंदर जो आपको टॉगल्स देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से टॉगल देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर आपको ये सभी जो फीचर्स से देखने को मिल जाती है। ऑलरेडी जो एंड्रॉइड 12 का बीटास मैंने वीडियो किया था, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, बीटा 5, सभी को मैंने कवर किया था अपने रेडमी नोट 7 के अंदर। अगर आप मेरा बीटा वीडियो को फॉलो किए होगे तो आपको मालूम चल जाएगा जो अपना एंड्रॉइड 12 का, मतलब एंड्रॉइड 12 के अंदर क्या क्या फीचर्स हमें देने को मिलता है। बट फिर भी आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो बिल्ड है एंड्रॉइड 12 के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर आता है, तो इसका मतलब है बहुत सारी फीचर जो कि हमें पिक्सल के अंदर देखने को मिलेगा वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो यहाँ पर डाला नहीं गया है एंड्रॉइड के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर। इससे पहले भी जितने भी बिल्ड हमें देने को मिला है अपने रेडमी नोट 7 के लिए, सभी बिल्ड के अंदर जो है पिक्सल जो बेस है एज ए पिक्सल की तरह, मतलब पिक्सल फोन को फोन से पोर्ट किया गया था। एंड ये जो बिल्ड है दोस्तों, इसे एंड्रॉइड के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में से तैयार किया गया है। तो इससे पहले जितने भी बिल्ड आया है सभी को पिक्सल से लिया गया है, बट ये जो बिल्ड है AOSP बिल्ड है, इसलिए हमें सबसे पहले पिक्सल के बहुत सारे फीचर्स, मतलब जो फीचर्स हमें पिक्सल डिवाइस में देने को मिलना चाहिए वो फीचर यहाँ पर एंड्रॉइड के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर एंड्रॉइड 12 के साथ देखने को नहीं मिला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से फीचर्स हमें यहाँ पर देने को नहीं मिलता है एंड्रॉइड 12 के AOSP बिल्ड के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पीछे का जो अपना वॉलपेपर है वो पिंक कलर का है। एंड्रॉइड 12 के अंदर थीम बेस्ड वॉलपेपर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो मटेरियल यू डिज़ाइन है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। बट जो अपना AOSP रॉम है, जो एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो अवेलेबल हुआ है, फिलहाल गूगल ने अवेलेबल किया है, उसके अंदर जो मटेरियल यू है और जो वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम है वो रिलीज नहीं किया गया है। इसका मतलब है अभी फिलहाल जो, मतलब जो भी आप कलर को डालोगे अपने वॉलपेपर के अंदर, उसी कलर को पिक करके अपना जो थीम है वो थीम चेंज नहीं हुआ है। जो चीज़ है हमें पिक्सल के अंदर देखने को मिल रहा था, अगर हम यहाँ पर पिंक कलर की यूज़ करते थे तो यहाँ पर ही हमें जो है पिंक कलर ही देखने को मिल रहा था। बट अभी फिलहाल वो जो है AOSP बिल्ड के अंदर डाला नहीं गया है। वो दोस्तों आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। वो जो चीज़ है, जो मटेरियल यू डिज़ाइन है और जो अपना वॉलपेपर बेस्ड थीम सिस्टम है, वो फिलहाल अभी पिक्सल डिवाइस के लिए एक्सक्लूसिव है। आप अगर आप वॉलपेपर को चेंज भी करोगे, फिर भी दोस्तों आपका जो टॉगल्स का कलर है और जो अपना सिस्टम वही है वो चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको पार्ट बटन देने को मिल जाती है, आप एडिट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप देख लेते हैं जो अपना इंडिकेटर है वो हमें देखने को मिलता है नहीं। तो ओके, सो यहाँ पर आई गेस जो हमें कैमरा एंड लोकेशन इंडिकेटर, माइक इंडिकेटर, वो शायद यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इसका कोई भी टॉगल यहाँ पर फिलहाल मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है।
बट एक फीचर हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है, ये जो फीचर है इसका नाम है एक्स्ट्रा डिम। सो इसे ऑन करने से आपका जो फोन की स्क्रीन है थोड़ा सा और थोड़ा सा ड्रीम हो मतलब डिम हो जाता है थोड़ा सा, मतलब लो ब्राइटनेस के लिए जो एक्स्ट्रा डिम का फीचर है काफ़ी बढ़िया है, इसे यूज़ कर सकते हो। सिस्टम के अंदर चलते तो यहाँ पर देख सकते हो ये सभी ऑप्शन है। हमें यहाँ पर जो प्रेस एंड होल्ड करके जो अपना गूगल असिस्टेंट है उसे भी आप इनेबल कर सकते हो एंड क्विकली ओपन कैमरा। हमें यहाँ पर जो टू बटन नेविगेशन सिस्टम है ये भी डाल दिया गया है क्योंकि बहुत सारी रॉम के अंदर हमें ये जो देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे मैं बोल रहा था ये जो बिल्ड है प्योर एंड्रॉयड 12 का जो iOS बिल्ड है उसके ऊपर बेसिकली तैयार किया गया है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। देख सकते हो यहाँ पर वॉलपेपर के अंदर भी डिफरेंट हमें देखने को मिला है एंड वॉलपेपर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर कोई भी कलर चूज करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब पिक्सल के अंदर जो थीमिंग देखने को मिलेगा वो दोस्तों iOS के अंदर देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको डार्क थीम भी देखने को मिल जाती है एंड डार्क थीम को शेड्यूल करने का भी ऑप्शन देखने को मिल गया है। टॉगल्स वगैरह तो सही है, टैप टू कैप का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। बैटरी भी देख लेते हैं, बैटरी बैकअप भी सही है। बैटरी इस बिल्ड का पीओएसपी रॉम का और यूएसपी रॉम के हिसाब से पहला बिल्ड हिसाब से एंड्रॉइड 12 का सही ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। नाउ बात कर लेते हैं दोस्तों इस रॉम के अंदर कोई भी गूगल एप्लीकेशन हमें देखने को क्यों नहीं मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर बोल दूँ ये जो बिल्ड है दोस्तों इस बिल्ड के अंदर मैंने एंड्रॉयड 12 के अलग अलग जी एप्स को इंस्टॉल करने की कोशिश किया है बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी जी एप्स इस रॉम के अंदर फ्लैश नहीं हो रहा है। इवन मैंने एंड्रॉइड 11 का भी ट्राई किया फिर भी फ्लैश नहीं हो रहा है। एज पर नाउ एंड्रॉइड 12 जो है अभी भी रिलीज किया गया है तो इसलिए जो है जी एप्स आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ टाइम वेट कर लो। अभी फिलहाल अगर कोई रॉम के साथ जी एप्स एक मतलब रॉम के साथ अगर कोई जी एप्स आपको देखने को मिल रहा है तो बढ़िया बात है, बट एज फॉर नाउ सेपरेटेड जो जी एप्स अवेलेबल नहीं है। बट आपको बीट जी एप्स का जो एंड्रॉइड 12 का बिल्ड है रिलीज हो चुका है एंड उसे आप चेकआउट करके देख सकते हो। बट एज फॉर नाउ कोई भी जी एप्स, मैंने दो जी एप्स को ट्राई किया, कोई भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है इस बिल्ड के अंदर एंड होपफुली जो नेक्स्ट बिल्ड आएगा उसके अंदर काम कर सकता है। बाकी यहाँ पर हम बात कर रहे थे फीचर्स की तो यहाँ पर वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट ये सब काम कर रहा है, बेसिक फीचर्स के अंदर कोई भी इशू वाली बात नहीं है। बैटरी बैकअप भी फास्ट रॉम के हिसाब से बढ़िया है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है एंड देख सकते हो साउंड के अंदर ये सभी ऑप्शन है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो पिक्सल का एंड्रॉइड 12 आया था वो काफ़ी मजेदार था, उसके अंदर जो वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम था काफ़ी बढ़िया था। बट अभी फिलहाल जो iOS बिल्ड वाला रिलीज किया गया है iOS बिल्ड वाला जो एंड्रॉइड 12 उसमें जो मजा है उतना मजा हम देखने को नहीं मिलता, मतलब स्पेशली जो वॉलपेपर बेस्ड थीम सिस्टम था वो काफ़ी बढ़िया था। वॉलपेपर को चेंज करोगे पूरा होल सिस्टम यू आई का कलर चेंज हो जाएगा, इस तरह की जो चीज़ थी एंड्रॉइड 12 के अंदर जो बताया गया था वो काफ़ी मतलब बढ़िया लगा था मेरे को। बट अनफॉर्चुनेटली जब इसका iOS रिलीज हुआ उसके अंदर बहुत सारी जो फीचर्स है जो कि हमें पिक्सल एक्सक्लूसिव देखने को मिलता है बहुत सारे फीचर्स को यहाँ पर रिमूव करके दिया गया है। बाकी आपको देख सकते हो एंड यहाँ पर आपको डायलर एप्लीकेशन भी पुराना एप्लीकेशन ही देखने को मिलता है। कैमरा एप्लीकेशन देख लेते हैं कैमरा एप्लीकेशन कैसा है, ये भी भाई सब पुराना वाला घसे बुटे मतलब पुराना वाला कैमरा एप्लीकेशन है, यहाँ पर अलाउ कर देते हैं परमिशन को। ओके यहाँ पर हमें कैमरा इंडिकेटर देखने को मिल गया है, इसमें आपको मालूम चल जाएगा आपका कैमरा ऑन है या नहीं। और एक बात है दोस्तों यहाँ पर क्योंकि प्ले स्टोर हमने डाल नहीं पाए, जी एप्स को हमने इंस्टॉल नहीं कर पाए इसलिए मैं कोई भी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। अगर ये जो बिल्ड है दोस्तों इसे आप चाहो तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा वेट कर लो जी एप्स के साथ ये बिल्ड को लॉन्च होने दो तब ज़्यादा मजा आएगा। एंड इस बिल्ड के अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन भी देने को नहीं मिलता है, वॉलपेपर बेस्ड थीम सिस्टम भी नहीं है, मेटेरियल यू का भी सपोर्ट हमें देने को नहीं मिलता है जो कि थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंटेड लगा है। बाकी इसका वॉल्यूम पैनल देख सकते हो कुछ इस तरह से है एंड एंड्रॉइड 12 का जो बीटा रिलीज हुआ था उसका वीडियोज देख लेना, उसमें आपको ज़्यादा फीचर्स आपको और भी अच्छे से मालूम चलेगा। एंड इसमें भी फीचर्स है, ऐसा नहीं है फीचर नहीं है बट फीचर्स है, बट बहुत सारी फीचर्स यहाँ पर मिसिंग है। देख लेते हैं विजर्स, ओके विजर्स भाई सब यहाँ पर सही है, विजर्स को ज़्यादा यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं किया गया है। देख लेते हैं एंड्रॉइड 12 का जो विजर्स वो कैसा है, तो ये देख सकते हो ये दोस्तों अपना एंड्रॉइड 12 का विजर्स है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, देख सकते हो अलग अलग कलर को आप चूज कर सकते हो। सो इसे भी इंट्रोड्यूस किया गया है एंड्रॉइड 12 के साथ, तो विजर्स के अंदर कोई भी मेरे को चेंजेस तो देखने को नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस भी कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर आपको बबल्स का भी ऑप्शन देने को मिलता है कॉन्वर्सेशन के अंदर। जो गेमिंग मोड है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है, वो देखने वाली बात होगी। गेमिंग मोड पहले जो है हमें यहाँ पर से आई गेस इनेबल करना होता था। नोटिफिकेशन हिस्ट्री का भी ऑप्शन देने को मिल जाएगा, ऐप पर नोटिफिकेशन भी है, डू नॉट डिस्टर्ब में चलते हैं। देन आपको यहाँ पर जो है गेमिंग मोड कहाँ पर गया भाई सब, पहले यहाँ पर हमें गेमिंग मोड देने को मिल जा रहा था, ये दोस्तों अपना डू नॉट डिस्टर्ब मोड हमें देने को मिलता है। सो ये जो फीचर्स है सभी देखने को मिल जाती है। बट मेरे को जो वॉलपेपर बेस्ड थीम सिस्टम है वो अगर आ जाता तो मज़ा आ जाता। नाउ देख लेते हैं यहाँ पर, ओके देख सकते हो यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देने को मिलता है, नहीं जो बिल्ड है इंक्रिप्टेड नहीं है, तो फिंगरप्रिंट को जल्दी से डाल लेते हैं, देखते हैं फिंगरप्रिंट इस बिल्ड के अंदर काम करते हैं नहीं, देख लेते हैं एक बार।
ओके हमने यहाँ पर फिंगरप्रिंट डालने की कोशिश की बट फिंगरप्रिंट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो अगर ये जो बिल्ड है इंक्रिप्शन के साथ लॉन्च होगा तभी दोस्तों फिंगरप्रिंट काम करेगा, वरना जो फिंगरप्रिंट है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। सो एज पर नो ये जो बिल्ड है दोस्तों इस बिल्ड के अंदर आप स्किन लॉक और फिंगरप्रिंट को नहीं डाल पाओगे। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं इस रॉम के बारे में थोड़ा बहुत। सो सबसे पहले ये जो रॉम इस रॉम के अंदर अगर आप डुअल सिम यूज करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिंगल सिम को यूज करने के लिए। एंड ये जो बिल्ड है दोस्तों परमिसिव बिल्ड है, तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। एंड और एक बात है, ये जो बिल्ड है एज पर नाउ टेस्ट बिल्ड की तरह आप मान सकते हो, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इस बिल्ड को भूल के और कोई बिल्ड को ट्राई करके देखो जब ये अवेलेबल होगा। वेट कर लो थोड़ा बहुत, क्योंकि इस बिल्ड का जो नेक्स्ट वर्जन है बहुत जल्दी आने वाला है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।